दूसरे नमस्ते, मैं तुषार, अपना ऑफिशियल आरटी चैनल गिटार अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ फिर एक मेरा पसंदीदा लेसन लेके गाना लेके लेसन के तौर पे। दोस्तों, तेजाब मूवी का गाना है, मुझे लगता है 88-89 में कुछ तो तेजाब मूवी। अच्छा, ये गाना जो लिखा है जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, बहुत ही प्यारा लिखते जावेद अख्तर साहब, उनके सब गाने फेमस है। आपको भी उनका कोई अच्छा लगता हो गाना तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना, मैं उसके ऊपर भी लेसन बना के अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हमेशा की तरह पहले, उससे पहले ये गाना गाया है किसने मालूम है आपको? नितिन मुकेश, मुकेश जी के सुपुत्र। और एक्चुअली तीन सिंगर है ये गाने में, एक है नितिन मुकेश जैसा मैंने आपको बताया, दूसरे शब्बीर कुमार और तीसरे अलका याग्निक। अलका याग्निक और शब्बीर कुमार, ये जो दो सिंगर है इनका वोकल जो है 20% है और बाकी 80% जो है नितिन मुकेश साहब का गाना है। ओके, तो हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत कॉर्ड से करते, फिर उसके बाद स्ट्रमिंग पैटर्न, और उसके बाद जो कुछ ट्रिक रहते, ट्रिकी रहते थोड़े से गाने, कोई कोई आसान गाने हमेशा छोटी सी ट्रिक की वजह से परेशान करके रखते और गाना हम लोग छोड़ देते, तो ये जो ट्रिक है ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग गाना एंजॉय करेंगे। ओके, कॉर्ड से शुरुआत करते दोस्तों। कॉर्ड देखो, चार कॉर्ड से, उसमें से तीन मेजर कॉर्ड से और एक माइनर कॉर्ड है। तीन मेजर कॉर्ड जो उसमें ई मेजर जिसपे गाना शुरू होता है, ओपन कॉर्ड, ए मेजर ओपन कॉर्ड, एफ मेजर ओपन कॉर्ड, और एक माइनर कॉर्ड लगती है डी माइनर। ओके, स्ट्रमिंग पैटर्न देखो दोस्तों, एकदम आसान सा है, 4 बीट का है और पहला ही स्ट्रमिंग पैटर्न 4 बीट का आसान सा कुछ इस तरीके से, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। ई मेजर में पकड़ता हूं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। मैं ज़्यादा प्रेशर देके आपको स्ट्रमिंग पैटर्न समझाने की कोशिश कोई भी वीडियो में नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा बताते हैं उतना कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो थोड़ा वर्ड्स में और थोड़ा प्रैक्टिकल में आप अगर समझ जाते और इमीडिएट गिटार लेके प्रैक्टिस करते तो आपका मसल मेमोरी भी अच्छा हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए मेमोराइज भी हो जाएगा। तो हो सके तो इमीडिएट गिटार ले लो, चार ही कॉर्ड से, तो स्ट्रमिंग पैटर्न समझ गए, कॉर्ड समझ गए। अब एक जो गाने में ट्रिक रहता है, ट्रिक क्या है ये गाने में, क्विक शिफ्ट, ये ट्रिक है और कुछ भी नहीं। अभी जैसा मैं बताता हूँ आपको, हमिंग पैटर्न है, मुखड़ा है और अंतरा है, बरोबर है। हमिंग पैटर्न में भी, मुखड़े में भी, अंतरे में थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी आखिर में सिग्नेचर लाइन में जो है ये ट्रिकी पार्ट लगता है, क्विक शिफ्टिंग। मतलब जैसा एक स्ट्रमिंग पैटर्न है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, इसमें दो कॉर्ड्स, मतलब आधे स्ट्रमिंग पैटर्न में एक कॉर्ड और बाकी के आधे स्ट्रमिंग पैटर्न में दूसरी कॉर्ड, ये हर जगह पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी समझो हमिंग पैटर्न में ई मेजर और ए मेजर दो कॉर्ड्स लगने वाले, तो होता कैसे शुरुआत, समझ गए, मतलब ई मेजर पे हाफ कॉर्ड, बाकी ए मेजर पे। ओके, हमिंग पैटर्न हो गया। अब मुखड़े में देखो क्या है, जैसा ई मेजर ए मेजर है, ऐसा मुखड़े में भी ई मेजर और एफ मेजर है, और एफ टू ई शार्प शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब सो गया एफ मेजर पे आना है ये, और जहां पे इमीडिएट ई मेजर पे वापस, कैसा सो गया ये जहां सो ये जहां आखिरी लाइन के आखिरी शब्द, और आसमा दूसरे लाइन का आखिरी शब्द, आखिरी जो है ये शब्द है, इसमें आसमा में एक ही आसमा के लिए आधा कॉर्ड एफ मेजर आधा कॉर्ड ई मेजर। ओके, ये ट्रिक समझ गए, मतलब हमिंग में भी सेम, मुखड़े में भी सेम, अंतरे में थोड़ा डिस्टेंस मिलता है क्योंकि एक ई मेजर पे। रात आई तो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, तो उसके बाद आराम से ए मेजर से ई मेजर पे जा सकते हैं, ये अंतरे में है, लेकिन अंतरे का जो सिग्नेचर लाइन है वो कैसा है, थोड़ा समझ लो, बारीकी से समझ लो।
मतलब ई मेजर, ए मेजर और वापस ई मेजर। ओके, अब क्या है? एफ मेजर। जाए भी तो कहाँ जाना चाहे एफ मेजर से ई मेजर वापस आता है। ओके, ये अंतरिका हो गया। और एक जो बीच का स्वगत पार्ट है, मतलब जो मन में गाना गाते हैं अनिल कपूर, और ये पिक्चराइज जो किया, देखा है ना आपने? क्योंकि प्लेबैक जो नितिन मुकेश का है वो चंकी पांडे के लिए पूरा गाना, और अनिल कपूर के लिए है शब्बीर कुमार का, और जो माधुरी दीक्षित है, सॉरी भूल गया, एक सेकंड के लिए माधुरी दीक्षित है, उसके लिए अलका याग्निक का है। तो वहां पे क्या होता है? ई मेजर, डी मेजर, ई मेजर, ऐसा आता है। मतलब शुरुआत में ऐसा है, ए मेजर पे कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी कहो, ई मेजर से, ए मेजर से ई मेजर आ गया। हो पास तो ऐसे चुप ना ए मेजर, ई मेजर, ए मेजर, ई मेजर हो गया। अब जो आता है, हम पास भी हैं और दूर, ई मेजर से हम लोग गए डी माइनर पे, दूर भी है फिर वापस आ गए ई मेजर पे, आजाद एफ मेजर। भी है मजबूर भी है। ओके, यही आगे कंटिन्यू है। तो आप हमिंग समझ गए, मुखड़ा समझ गए, अंतरा समझ गए, सिग्नेचर लाइन भी समझ गए, और जो दोनों 20% वोकल वाले सिंगर है उनका भी रोल जो है, कौन से कॉर्ड पे है, वो भी आप समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ आगे जाने के लिए हम लोगों को अभी कोई हरकत नहीं है, शुरू करते गाना। उससे पहले आप नए हैं, पहली बार अपना चैनल देख रहे हैं, तो दोस्तों अपना चैनल गिटार गाणी सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट ऑल के साथ में। थोड़ा गाना लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप बोर होते हैं और ये टाइम ज़्यादा होता है, तो मुझे पहले कॉमेंट बॉक्स में बोलना, ताकि मैं 7-8 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाऊं, और इन डिटेल आपको अच्छा लगता है तो 100% यही कंटिन्यू रखूंगा। नीचे जो है स्क्रोलिंग टेक्स्ट में हमेशा की तरह अब मुझे आने लगा है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, तो कोशिश करूंगा कि उसमें मैं आपको लिरिक्स के साथ कॉर्ड्स भी दे दूं। ओके, चलो शुरू करते हैं गाना, मेरा पसंदीदा पार्ट सबसे। सो गया आसमान,
सब अंधेरे में है, अंधेरे में है, अंधेरे में ओ सो गई है सारी मंजिले, ओ सारी मंजिले, सो गया है रास्ता, सो गया ये पूरा गाना दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मजा आया ना, आप भी कोशिश जरूर करना, जरूर ट्राई करना। ये गाने में और भी क्लैपिंग है, चुटकिया है, सीटी है, बहुत कुछ है, आप जितना ऐड कर सकते करो। ध्यान से गाना भी देखो और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगले सैटरडे नए लेसन के साथ सुबह 8 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।